15 wild animals that have rarely ever been seen. Welcome to Global Facts and Info. नमस्कार दोस्तों, वैश्विक तथ्यों और जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे 15 जंगली जानवर जिन्हें शायद ही कभी आपने देखा होगा। दोस्तों, हम ये वीडियोस आपको अच्छी जानकारी देने के लिए बनाते हैं। कृपया इन सभी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, ये जानवर पृथ्वी पर बहुत कम पाए जाते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये मजेदार होगा। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहला जंगली जानवर है हिरोला। हिरोला को हंटर का हर्टबीस्ट या हंटर का मृग भी कहा जाता है। ये केन्या और सोमालिया के बीच की सीमा पर पाए जाने वाले मृग प्रजाति है। इसका वर्णन सबसे पहले बड़े 1888 में हंटर खेल शिकारी और प्राणी विज्ञानी एच सी ने किया था। दुनिया में केवल 500 हिरोला जानवर हैं और गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। हिरोला शाकाहारी जानवर है और घास, पत्ते और फूल खाते हैं। वे विशेष चरवाहे हैं, नए अंकुरित घास पसंद करते हैं। ये मृग बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकते हैं। वे लगभग 3 फीट लंबे और वजन लगभग 80 पाउंड है। अगला जानवर हम देखेंगे पेंगोलिन। यह नाम थोड़ा अलग है। आगे देखेंगे पेंगोलिन पूर्वी एशिया, नेपाल, भूटान, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, चीन के पूर्व और दक्षिण में पाए जाते हैं। हालांकि कई लोग उन्हें सरीसृप यानी रेप्टाइल्स मानते हैं। पेंगोलिन वास्तव में स्तनधारी यानी मैमल्स है। वे एकमात्र स्तनधारी हैं जो पूरी तरह से तराजू से ढके हुए हैं और वे जंगली शिकारियों से खुद को बचाने के लिए उन तराजू का उपयोग करते हैं। यदि खतरे में हैं, तो एक पेंगोलिन तुरंत एक तंग गेंद में घुमाएगा और अपनी रक्षा के लिए अपनी तेज नुकीली पूंछ का उपयोग करेगा। पेंगोलिन चींटियों, दीमकों और लार्वा को खाते हैं और उन्हें अक्सर स्केली एंटीटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। पेंगोलिन अपनी चिपचिपी जीभ से भोजन उठाते हैं, जो कभी कभी जानवर के शरीर से अधिक लंबाई तक पहुंच सकते हैं। वे शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार और बांस के जंगलों, कृषि क्षेत्रों और घास के मैदानों सहित कई प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे शुबिल सारस। शुबिल को व्हेलहेड, व्हेल हेडेड स्टॉर्क, व्हेलबिल या शुबिल स्टॉर्क के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा सारस जैसा पक्षी है। इसका नाम इसके विशाल जूते के आकार के बिल से लिया गया है। वयस्क शुबिल मुख्य रूप से भूरे रंग के होते हैं, जबकि किशोर अधिक भूरे रंग के होते हैं। यह दक्षिण सूडान से जाम्बिया तक बड़े दलदलों में उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का अनुमान है कि दुनिया में केवल 3,300 वयस्क शुबिल बचे हैं और इनकी जनसंख्या कम हो रही है। वे बड़ी मछली जैसे लंगरफिश, ईलफिश और कैटफिश खाते हैं और नाइल मॉनिटर, छिपकली, सांप और बेबी मगरमच्छ जैसी पागल चीजें भी खाते हैं। मगरमच्छों को खाता है ये पक्षी, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। शुबिल सारस इंसानों के साथ बहुत विनम्र होते हैं। शुबिल सारस मनुष्यों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन केवल वह उन्हें घूरेंगे। आगे सेनेका सफेद हिरण को देखेंगे। सेनेका सफेद हिरण सेनेका काउंटी, न्यूयॉर्क में पूर्व सेनेका आर्मी डिपो की सीमाओं के भीतर रहने वाले हिरणों का एक दुर्लभ झुंड है। सफेद पूंछ वाला हिरण, जिसे व्हाइट टेल या वर्जीनिया हिरण के रूप में भी जाना जाता है, एक मध्यम आकार का हिरण है जो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया में पाया जाता है। सफेद पूंछ वाले हिरण शाकाहारी होते हैं। वे पौधों के खाद्य पदार्थ चरते हैं। उनका पेट उन्हें पत्ते, टहनिया, फल, मेवे, घास और अन्य विभिन्न आहारों को पचाने की अनुमति देता है। आगे देखेंगे दक्षिणी डार्विन का मेंढक। डार्विन के मेंढक के रूप में जाने जाने वाले ये अजीबोगरीब जानवर आज 2 प्रजातियों में विभाजित है, एक जो उत्तरी चिली में होता है और दूसरा जो दक्षिणी चिली और अर्जेंटीना में रहता है। डार्विन के मेंढक मांसाहारी होते हैं। वे कीड़े, मकड़ियों और घोंघे खाते हैं। ये जानवर शिकार के उनके पास आने का इंतजार करते हैं और जब ऐसा होता है तो वे शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकाल देते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी विश्व यात्रा पर मेंढक की खोज की। डार्विन का मेंढक अपनी उभयचर आदतों के लिए उभयचरों के बीच अद्वितीय है।
अब हम देखेंगे उत्तरी बालों वाली नाक वाला गर्भ नॉर्दर्न हेरी नोज्ड वॉम्बैट। उत्तरी बालों वाली नाक वाला गर्भ या जेमिनोन ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स की 3 मौजूदा प्रजातियों में से है, जिसे गर्भ के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया में सबसे दुर्लभ भूमि स्तनधारियों में से एक है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। जानवर को उसके थूथन पर विशेषता छोटे भूरे रंग के फर के कारण कहा जाता है। गर्भ परिवार की अन्य 2 प्रजातियों की तरह उत्तरी बालों वाली नाक वाले गर्भ में एक स्थिर शरीर होता है, पूंछ छोटी है और पैर छोटे और ठोस है। दुनिया के सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से यह जानवर भी सबसे बड़ा शाकाहारी दफन स्तनपाई है। आमतौर पर इस प्रजाति के नर और मादा एक जैसे दिखते हैं, हालांकि नर मादाओं की तुलना में काफी छोटे होते हैं, जिनके कंधे अधिक मोटे होते हैं और गर्दन मोटी होती है। आगे देखेंगे बोर्नियो पिग्मी हाथी। बोर्नियो हाथी, जिसे बोर्नियो पिग्मी हाथी भी कहा जाता है, एशियाई हाथी की एक उपप्रजाति है जो इंडोनेशिया और मलेशिया में पूर्वोत्तर बोर्नियो में रहता है। सामान्य तौर पर एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं और उनके सिर पर शरीर का उच्चतम बिंदु होता है। प्रतिदिन 130 किलोग्राम भोजन खाने वाला बोर्नियो पिग्मी हाथी शाकाहारी जानवर है। इसके आहार में जड़, घास, पत्ते, केला और गन्ना शामिल है। उनकी लंबी पूंछ होती है और उनके सख्त दांत होते हैं। अन्य हाथियों की प्रजातियों के विपरीत बोर्नियो पिग्मी हाथियों को स्वभाव से अधिक कोमल माना जाता है। आगे ब्लैक स्पॉटेड कसकस देखेंगे। ब्लैक स्पॉटेड कसकस परिवार फलांगरिडे में मार्सुपियल की एक प्रजाति है। यह परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है, केवल भालू कसकस द्वारा पार किया जा रहा है। यह अपेक्षाकृत रंगीन प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर उत्तरी न्यू गिनी के जंगलों में पाई जाती है। ब्लैक स्पॉटेड कसकस मुख्य रूप से तराई और निचले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं, कभी कभी माध्यमिक वन में भी पाए जाते हैं। वे वृक्षीय हैं, शायद निशाचर हैं और उनके आहार में पत्ते और फल होते हैं। वे मार्सुपियल्स कंगारू की तरह हैं, जो अपने बच्चों को सामने की ओर थैली में रखते हैं। बैंगनी मेंढक आगे देखेंगे। बैंगनी मेंढक विशेष रूप से भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक में पाया जाता है। इडुक्की शहर में रहने वाले स्वदेशी लोगों के अनुसार बैंगनी मेंढक बिना खोल के एक कछुए जैसा दिखता है, जहां से इसे वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया गया था। बैंगनी मेंढक को पश्चिमी घाट नीलगिरी लैंडस्केप में WWF इंडिया के व्यापक संरक्षण कार्य से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। वयस्क बैंगनी मेंढक छोटे अकशेरुकीय मुख्य रूप से दीमक पर भोजन करते हैं। आगे देखेंगे हुडेड ग्रीबे। हुडेड ग्रीब अर्जेंटीना के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक मध्यम आकार का ग्रीब है। यह लंबाई में लगभग 32 सेमी तक बढ़ता है और यह काले और सफेद रंग का होता है। यह पेटागोनिया के सबसे दूरदराज के हिस्सों में अलग अलग जिलों में पाया जाता है और उसी क्षेत्र के तट पर सर्दी बिताता है। सिल्वरी ग्रीब से अधिक विपरीत सिर पैटर्न द्वारा बताया गया सफेद माथे और सुनहरे टियारा के साथ काले हुड के विपरीत अक्सर लंबी दूरी पर हड़ताली। ग्रीब्स को उड़ान में बहुत कम ही देखा जाता है, लेकिन हुडेड के पंख ज्यादातर काले पंखों के विपरीत सफेद होते हैं, जिसमें सिल्वर ग्रीब पर सफेद हिंद पैच दिखाई देता है। ग्रीब्स गोताखोरी करने वाले जल पक्षी हैं, जो छोटी मछलियों और जलीय अकशेरुकी जीवों को खाते हैं। आगे देखेंगे पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ। पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ ब्रेडिपस पाइगमाइस, जिसे मूंग स्लॉथ या बोना स्लॉथ के रूप में भी जाना जाता है, पनामा के कैरेबियन तट से दूर एक छोटे से द्वीप इस्ला एस्कुडो डी वेरागुआस के लिए एक सुस्ती है। प्रजातियों का वर्णन सबसे पहले कांसास विश्वविद्यालय के रॉबर्ट पी एंडरसन और चार्ल्स द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ मुख्य रूप से लाल मैंग्रोव पेड़ों की पत्तियों पर फीड करता है, जिसमें यह रहता है। आल सब प्यारे और मिलनसार लग सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे खतरनाक हो सकते हैं। आगे हाथी चतुर देखेंगे। हाथी के छींटे, जिसे जंपिंग क्रू या सिंगिस भी कहा जाता है, अफ्रीका के मूल निवासी छोटे कीट भक्षी स्तनधारी है, जो मैक्रोसेलिडिडे परिवार से संबंधित है, क्रम में मैक्रोसेलिडिया। उनका पारंपरिक अंग्रेजी नाम हाथी का छिलका उनकी लंबी नाक और एक हाथी की सूंड के बीच एक कथित समानता से आता है। हालांकि फाइलोजेनेटिक विश्लेषण से पता चला है कि हाथी के छिलकों को सच्चे छल के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तव में हाथियों से अधिक निकटता से संबंधित है। चींटियां, दीमक, भंग, मकड़ियां,
मिलीपेड और केचुए जैसे पत्ती पूरे अकशेरुकी को खाता है। कई अन्य छोटे स्तनधारियों के विपरीत हाथी दिन के उजाले में भोजन करता है। वे कीट आबादी की प्राकृतिक जांच को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे रोंडो बोना गैलागो। यह तंजानिया के लिए स्थानिक है, जहां इसका प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है। यह 2012 में 100 वर्ग किलोमीटर से कम के क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्र में रहता है और लॉगिंग के कारण निवास स्थान के नुकसान का खतरा है। जबकि 1950 के दशक में इसकी खोज की गई थी, रोंडो बोना गैलागो को 1996 तक डेटा की कमी माना जाता था। रोंडो बोने गैलागो के आहार में मुख्य रूप से कीड़े होते हैं। प्रजाति फलों और फूलों पर भी फीड करती है। निशाचर जानवरों के रूप में वे चंद्रमा में दिन के समय सोते हुए घोंसले का निर्माण करते हैं। रोंडो गैलागो का संरक्षण दृष्टिकोण उनकी बहुत छोटी और खंडित वितरण सीमा पर तीव्र मानव दबाव से प्रभावित होता है। तंजानिया में केवल 10 स्थानों पर उनकी पुष्टि की गई है, जो 30,000 एकड़ में निवास स्थान है। आगे देखेंगे यांगजी फिनलेस पोर्पोइस। यांगजी फिनलेस पोर्पोइस नियोफोकेना एशियाइवेंट्रिस फोकुएनिडे परिवार में दांतेदार व्हेल की एक प्रजाति है। यह चीन में यांगजी नदी के लिए स्थानिक है, जिससे यह बाईजी लिपोट्स वेक्सिलिफर के संभावित विलुप्त होने के बाद देश का एकमात्र ज्ञात मीठे पानी का सिटासियन बन गया है। यांगजी फिनलेस पोर्पोइस को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल 1,000 ही बचे हैं। यह छोटा दांतेदार व्हेल उन्हीं खतरों का सामना करता है जिसके कारण बाईजी डॉल्फिन संभवतः विलुप्त हो गई थी। बाईजी डॉल्फिन खाद्य आपूर्ति का विनाश इसके विलुप्त होने का केंद्र था। ओवरफिशिंग मुख्य कारक है जो फिनलेस पोर्पोइस की खाद्य आपूर्ति में कमी में योगदान देता है, लेकिन प्रदूषण और जहाज की आवाजाही भी कारक है। आज हम आपको जितने भी जानवर दिखा रहे हैं, उनमें से ये सबसे दुर्लभ होना है, क्योंकि यह तस्वीर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है और बड़ी खोज के बाद हमें कहीं और कोई जानकारी नहीं मिली। यह जानवर क्या है, वह कहां से आया है, ये सवाल दिमाग में आ रहे थे। यह बहुत आत्मविश्वासी जानवर हो सकता है। क्या ये एक जादुई प्राणी है? क्या ये वास्तव में मौजूद है? हमें यह पता नहीं। यदि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना संदेश छोड़ दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात एक दिलचस्प वीडियो में होगी। धन्यवाद।